एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक एमएससी बायोटेक के सिलेबस का एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि यूनिट सेकंड का टॉपिक है और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल के डिवीजन से जुड़ा हुआ है, जो है यूकेरियोटिक सेल साइकिल एंड चेक पॉइंट्स एंड जेनेटिक रेगुलेशन बाय सीडीके एंड साइक्लिंस। देखिए, सेल साइकिल क्या होता है, यदि आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है सेल के बारे में और सेल के डिवीजन के बारे में, तो हम सबको पता है कि सेल जो है वो सोमैटिकली माइटोसिस द्वारा डिवाइड करता है। ये हम सब पढ़ते हैं कि माइटोसिस से सेल का डिवीजन होता है और माइटोसिस के सभी फेजेस में मान के चलती हूँ कि अभी तक आप सब लोगों को पता होंगे। लेकिन जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो प्रीसीड होता है एक वेल फॉर्म्ड सेल साइकिल से। सेल साइकिल हम एक्चुअली किसको कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली एन इंटरकनेक्शन ऑफ द इवेंट्स दैट लीड टू सेल डिवीजन। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता। सेल पहले अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स अंडरगो करता है डिवाइड करने के लिए, और फिर सेल का डिवीजन होता है। तो जो सेल का डिवीजन है, इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल एंड विच कॉजेज द सेल टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। यानी कि एक साइक्लिक समूह होता है इवेंट्स का, जो कि सेल के अंदर होता है, जिसके की बाद जिसके फल स्वरूप सेल जो है वो डिवाइड करता है। इस इवेंट में क्या इंक्लूडेड होता है, सबसे पहले अगर कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है उसके डीएनए का डुप्लीकेशन। ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या रेप्लीकेशन होता है, उसके बाद ही कोई भी सेल डिवाइड करेगा। आप सबको पता होगा कि माइटोसिस, जो कि जितने हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो माइटोसिस से होता है। तो माइटोसिस इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय इंटरफेस, है ना। इंटरफेस में सेल जो है वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। इंटरफेस इज नॉट अ डिवीजन स्टेट, इट इज अ फेज वेयर द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है और इसी फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। सेल डिविजन साइकिल इज अ वाइटल प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे कि एक सिंगल सेल एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकता है, और सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल है वो इंटरफेस स्टार्ट करती है एक न्यू साइकिल का। यदि हम इसको इस डायग्राम से समझाने की मैं आपको कोशिश करूं, तो अगर आप इस डायग्राम को समझेंगे तो पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो होता है वो इंटरफेस होता है। इंटरफेस के अंदर हम सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले तो G0 फेज होता है। G0 फेज जो होता है सेल साइकिल का, वो क्वेसेंट फेज कहलाता है या इनएक्टिव फेज कहलाता है। G0 इज एक्चुअली द रेस्टिंग स्टेट। जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं वो हमेशा G0 स्टेट में रहते हैं। द सेल्स ऑफ लिवर, किडनी, न्यूरॉन्स एंड स्टमक ऑल रीच दिस स्टेज एंड रिमेन देयर फॉर लॉन्गर पीरियड। जनरली सेल्स जो होते हैं लीवर के, किडनी के, ये न्यूरॉन्स की, ये स्टमक की, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, सो दे ऑलवेज रिमेन इन अ क्वेसेंट या इनएक्टिव स्टेट में ये रहते हैं, और लंबे समय तक इनएक्टिव स्टेट में ही ये पाए जाते हैं। मैनी सेल्स जो हैं दे डू नॉट एंटर दिस स्टेट एंड डिवाइड इनडेफिनेटली। और कुछ ऐसे सेल्स जो कि इनडेफिनेट डिवीजन करते हैं, जिनको डिवीजन करते रहना होता है पूरा टाइम, वो G0 में एंटर ही नहीं करते। और ऐसे सेल्स जिनको जो G0 में एंटर करते हैं और लंबे समय तक G0 में रहते हैं, वो लीवर के सेल्स होते हैं, किडनी के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, स्टमक सेल्स, इनको डिवाइड नहीं करना होता, वो G0 में रहेंगे। ठीक है, देन नॉट ऑल सेल्स अडहेयर टू क्लासिक सेल साइक्लिन पैटर्न इन विच अ न्यूली फॉर्म्ड ग्रोथ डॉटर सेल इमीडिएटली एंटर्स एंटर फेस, है ना। और अगर कोई डिवाइडिंग सेल है तो वो G0 से इमीडिएटली G1 में एंटर कर जाएगा, यानी कि इंटरफेस को एंटर कर जाएगा। दिस सेल इज नॉट अ क्विसेंट, दिस सेल इज in a quiescent or inactive state having excited the cell cycle. Some cells enter G0 temporarily until a signal triggers them. और कभी कभी क्या होता है कि कोई सेल जो है वो G0 स्टेट में या quiescent स्टेट में तब तक रहता है जब तक कि कोई सिग्नल आकर के उस सोए हुए सेल को जगाता नहीं, और जैसे ही वो सोए हुए सेल को कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल जगाएगा तो वो जो सेल है वो G0 से कहाँ चला जाएगा, G1 में चला जाएगा। अदर सेल्स दैट नेवर और रेयरली
डिवाइड सच एज मैच्योर कार्डिक मसल्स नर्व सेल्स दे रिमेन परमानेंटली इन जी जीरो स्टेट. जो मैच्योर कार्डिक सेल मसल्स होती हैं और जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमेशा जी जीरो स्टेट में रहते हैं. यानी कि न्यूरॉन्स के लिए हम शुरू से एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूरॉन्स दे डू नॉट डिवाइड, सो दे परमानेंटली दे रिमेन इन अ जी जीरो स्टेट. ठीक है, देन एक चीज़ आती है इसमें, अगर कोई सेल जी जीरो स्टेट में है, सुप्त अवस्था में है, इनएक्टिव स्टेट में है, उसे अगर कोई सिग्नल ट्रिगर करे, उसे अगर कोई बाहरी सिग्नल ऐसा मिले जो उसे जगा दे, तो वो सेल जी जीरो से उठ करके कहाँ चला जाएगा, ये जी वन में चला जाएगा, है ना. जो जी वन फेज होता है वो इंटरफेज का फर्स्ट स्टेप होता है. अब इंटरफेज अगेन क्या है, ये एक रेस्टिंग स्टेट है सेल की, जहाँ सेल डिवाइड नहीं करता परंतु अपने आप को तैयार करता है डिविजन के लिए. इंटरफेज कंप्राइजेस ऑफ थ्री स्टेजेस, G1, S और G2, ये तीन स्टेजेस से मिलके बना होता है. जो G1 फेज होता है, ये गैप फेज होता है, ये सबसे पहला स्टेज होता है इंटरफेज का, है ना. और ये हाउएवर ड्यूरिंग G1 स्टेज द सेल इज क्वाइट इनएक्टिव. सेल जो है यहाँ पर ये बायोकेमिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन सेल अपने आप को तैयार करता है डिविजन के लिए. और ये तैयारी ये कैसे करेगा, ये सबसे पहले DNA रेप्लिकेशन की तैयारी करेगा, जो कि होने वाली होती है एस फेज में, है ना. द सेल इज एक्यूमुलेटिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रोमोसोमल DNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन एज वेल एज सेल एक्यूमुलेटिंग सफिशियंट एनर्जी रिजर्व्स टू कंप्लीट द टास्क ऑफ रेप्लिकेटिंग ईच क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, ताकि DNA का जो रेप्लिकेशन है, डुप्लीकेशन है, वो अच्छे से हो सके. इस कारण से सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ना. देन एस फेज जो है DNA का, इसमें DNA का एस फेज जो है इंटरफेस का, उसके अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है ना. DNA अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना. तो ये जो है इसमें DNA रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द एस फेज कॉपीज ईच लीनियर क्रोमोजोम. द क्रोमोजोम रिमेन अटैच टुगेदर इन अ रीजन कॉल्ड ए सेंट्रोमेयर. क्रोमोजोम एक दूसरे से कॉमन रीजन से जुड़े होते हैं, जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं. और एस फेज जो है, इट इज बेसिकली कैरेक्टराइज बाय द डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ DNA. इस फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है. सेंट्रियोल भी यहाँ पर डुप्लीकेट होते हैं. सेंट्रियोल्स एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसमें? दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी सेल डिवीजन. और हायर प्लांट्स और फंजाय में जो सेंट्रियोल्स है वो एबसेंट होते हैं, बाकी सभी सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं और सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन नेक्स्ट आता है हमारा G2 फेज. अब एस फेज में DNA डुप्लीकेट हो गया, तो G2 फेज में क्या होगा, सेल रेप्लिशेस इट्स एनर्जी स्टोर्स एंड सिंथेसाइजेस प्रोटीन. अब ये जो फेज होता है G2 फेज, ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का फेज होता है. यानी कि DNA के डुप्लीकेशन के बाद जो प्रोटीन्स सेल को लगेंगे सेल डिवीजन के लिए, उनका सिंथेसिस इस फेज में होता है. और इसमें सारी प्रिपरेशन को चेक कर लिया जाता है. एंड यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि द सेल इज फाइनली ओके, या फाइनली इट इज़ प्रिपेयर टू एंटर माइटोटिक डिवीजन. यानी कि G2 फेज में वो सारे प्रोटीन, वो सारा जरूरी सामान बना लिया जाता है जो कि सेल को माइटोटिक डिवीजन में काम में आने वाला है. ठीक है, यानी हम फेज से सम अप करें तो हम देख सकते हैं कि गैप वन फेज या G1 फेज जो होता है, इसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, स्पेशली DNA रेप्लिकेशन के लिए, है ना. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ये बाहर कर देता है. एस फेज में DNA का सिंथेसिस होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है. G2 ये गैप टू फेज के अंदर वो सारे प्रोटीन्स का निर्माण होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए आवश्यक हैं, है ना. और माइटोसिस इसके बाद, G2 फेज के बाद स्टार्ट होता है माइटोसिस. माइटोसिस वो फेज है, इट इज़ अ इवेंट ऑफ फोर फेजेस. इट इज़ मेड अप ऑफ फोर फेजेस. इसमें चार फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. एक्चुअली माइटोसिस इज समड अप इन टू टू स्टेजेस. फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. माइटोसिस को दो तरह से हम देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसको कि हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. कैरियोकाइनेसिस चार फेजेस का होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन. ठीक है, इसके
बाद एक सेल से दो डॉटर सेल्स हम माइटोसिस में ऑब्टेन करते हैं, है ना। और माइटोसिस जो है वो बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स में होने वाला डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो अब माइटोसिस की यदि हम फेजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है प्रोफेज। प्रोफेज जो है सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करूँ मैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम डायग्राम भी बनाते तो इंटरफेज में हमेशा हम लॉन्ग और कॉइल्ड क्रोमोसोम्स बनाते हैं, है ना। क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं वो क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम कहलाते हैं वो प्रोफेज में आके, यानी कि प्रोफेज का सबसे पहला कैरेक्टर हुआ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। मतलब इंटरफेज का जब आप क्रोमोसोम बनाएंगे तो वो लंबा और कॉइल्ड होगा, और प्रोफेज का जब आप क्रोमोसोम बनाएंगे तो वो छोटा और मोटा थिक हो जाएगा, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोफेज। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे यहाँ डिसअपियर होना चालू हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो भी पोल की तरफ मूव करना, यहाँ आप देखेंगे आगे आपको दिखेगा क्लियर डायग्राम में, सेंट्रियोल्स जो है वो पोल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, है ना। और जो सिस्टर क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दे बिगेन टू कॉइल मोर टाइटली, वो एक दूसरे से बहुत टाइटली कॉइल्ड होते हैं, है ना, और वो लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकते हैं। देन उसके बाद आता है प्रो मेटाफेज, यानी कि मेटाफेज की जो अर्ली स्टेज होती है, शुरुआत होती है, उसको हम प्रो मेटाफेज बोलते हैं। ये फर्स्ट चेंज का फेस होता है, इस समय जो सेंट्रियोल्स है वो पोल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, हल्का हल्का स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होकर डिस्क्रीट होकर धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को, आगे हम लेट मेटाफेज में देखेंगे कि वो अपने आप को सेंटर पे अरेंज कर लेंगे, और उनका सेंटर क्रोमेटिड्स को होल्ड करने वाला सेंटर पॉइंट कहलाता है काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर, ठीक है। फिर मेटाफेज जो प्रॉपर मेटाफेज होगा, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को सेंटर पे अरेंज कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ द शॉर्टेस्ट फेज, माइटोसिस का सबसे लंबा फेज होता है प्रोफेज, जो कि तकरीबन काफ़ी घंटे चलता है, है ना, शायद 23 घंटे के आसपास चलता है, और मेटाफेज सबसे छोटा फेज होता है। टाइम ड्यूरेशन में मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ, ये तो 23 घंटे है या आधा घंटा मुझे याद नहीं, पर मुझे ये याद आ रहा है कि 100% प्रोफेज जो है वो सबसे लंबा फेज होता है, और मेटाफेज जो है वो सबसे छोटा फेज होता है। मेटाफेज में जो है वो क्रोमोसोम्स सेंटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, तो और ये क्रोमोसोम्स को स्टडी करने की बेस्ट फेज होती है। कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी है क्रोमोसोम में तो वो इस फेज पे देखी जा सकती है, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वेटर पे सेंटर पे अरेंज होते हैं, सो इट इज़ द बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम। टाइम ड्यूरेशन आप भी चेक करिएगा, मैं भी चेक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि मेटाफेज, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2 से 3 मिनट की फेज होती है, और प्रोफेज जो है वो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 23 आवर्स की होती है, बट आई हैव टू चेक, आई एम कन्फ्यूज, तो एक बार अपन देख लेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस फेज की क्या ड्यूरेशन है, तो एक बार अपन इसे और चेक करके टैली करेंगे। देन नेक्स्ट जो फेज होता है, नेक्स्ट फेज होता है एनाफेज, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, मेटाफेज में तो वो सेंटर पे अरेंज थे, अब एनाफेज में वो सेंटर से टूट जाएंगे, एंड इन ईच क्रोमोसोम गेट्स स्प्लिटेड इंटू 2 क्रोमैटिड्स, और क्रोमेटोमियर से ये टूट जाएंगे सेंट्रोमियर से, एंड ईच साइड इज कॉल्ड अ क्रोमैटिड, ठीक है, ये क्रोमैटिड कहलाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्रोमेटिड जो हैं ये पोल की तरफ मूव करना चालू कर देंगे, है ना, सेल जो है वो इलांगेटेड हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स का मूवमेंट है वो टूवर्ड्स पोल चालू हो जाएगा अर्ली एनाफेज में, और लेट एनाफेज तक आते आते ये जो मूवमेंट है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये पूरी तरह से पोल तक पहुंच जाएंगे। एंड देन फाइनली आएगा टीलोफेज। टीलोफेज जो है, टीलोफेज वो फेज है जहां पर कि ये जो हैं, ये पूरे के पूरे आपके जो क्रोमेटिड्स हैं वो पोल तक पहुंच चुके होंगे, और एक फरो आपको दिखेगा साइटोकाइनेसिस का। एनिमल सेल के अंदर जो सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल फरो से होता है। एक फरो देख पा रहे हैं आप इस डायग्राम में, ऑलमोस्ट बीच में एक दरार पड़ गई है जिससे वन सेल है स्प्लिटेड इंटू 2 सेल्स, और प्लांट सेल में ये जो डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस का, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेल का फॉर्मेशन है, जो
सेल फरो का फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा। देन ड्यूरिंग टीलोफेज डिस्टेंस फेज दी क्रोमोजोम्स यहाँ पे पोल तक पहुँच गए हैं। एक पूरा सेपरेट सेल यहाँ पर आपको जो है वो तैयार दिख रहा है, सेपरेट सेल पूरा बन गया है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो गई है, और अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म भी जो है वो डिवाइड कर जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस होने के बाद ही वन सेल इज फुल्ली सेपरेटेड इंटू टू डॉटर सेल्स। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, और एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल फरो फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। और इसके बाद जो सेल है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर सेल्स में। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ जो कॉम्पिटिटिव में कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज जो होता है वहां पर एस फेज होता है सेल डिविजन का, डीएनए के डुप्लीकेशन का, और इंटरकाइनेसिस कहाँ होता है, जब भी आप कभी मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड पढ़ा जाता है ना। मियोसिस फर्स्ट में जो आपको पूरी प्रोफेस वन की 5 स्टेजेस पढ़ाई जाती है, मेटाफेस वन, एनाफेस वन, टीलोफेस वन, उसके बाद जो है वो आपको पढ़ाया जाता है साइटोकाइनेसिस, और एक से दो डॉटर सेल बनती हैं, और फिर ये दो डॉटर सेल फिर से मियोसिस सेकंड अंडरगो करती हैं जहां दो और डॉटर सेल बनती हैं। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो इंटरफेज होता है उसे हम इंटरफेज न कह के इंटरकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि इंटरफेज में डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए इज नॉट डुप्लीकेटेड नॉर रेप्लीकेटेड, मतलब डीएनए डुप्लीकेशन इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया, आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है। और एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पता होना चाहिए वो है चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि चेक पॉइंट्स के आसपास ही हमारा पूरा टॉपिक घूमता है, और सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। चेक पॉइंट्स आर द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स एक्चुअली, जो ये चेक करते हैं कि जो डिवीजन अभी तक सेल का हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। जैसे कि अगर डीएनए का मान लीजिए, जैसा मैंने आपको कहा कि एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, अगर ये डीएनए डुप्लीकेशन सही हो रहा है तो ही सेल का जो डिवीजन है वो आगे बढ़ना चाहिए। और अगर मान लीजिए डीएनए डुप्लीकेशन में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया है, या डीएनए के बेस पेयरिंग में एडिनाइन के सामने थायमिन ना आके गुआनिन आ गया है, तो ये एक डिफेक्टेड डीएनए को जन्म दे दिया है। अगर इस तरह का डीएनए रेप्लीकेट होगा और इस तरह का सेल डिवीजन अगर प्रोसीड करेगा तो एक डिफेक्टेड डीएनए जन्म लेगा, जो कि एक डिफेक्टेड सेल को जन्म देगा, ठीक है। तो इस तरीके का गलत डीएनए कैरिंग सेल को डिवाइड करने का कोई राइट नहीं है। ऐसे सेल का डिवीजन यहीं ब्लॉक हो जाना चाहिए, या तो ये सेल अपोप्टोसिस अंडरगो कर ले। अगर ये सेल कंटिन्यू करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये कैंसरस हो सकता है या किसी भी तरीके के म्यूटेशन को आगे जाके जन्म दे सकता है। तो कोई भी डिफेक्टेड सेल पैदा ना हो, ये चेक करने के लिए जगह जगह पे पूरी सेल साइकिल में आपको मिलेंगे चेक पॉइंट्स, ठीक है, जो कि ये चेक करते हैं कि कोई भी सेल डिवीजन डिफेक्टेड ना हो, कोई भी गलत सेल डिवीजन प्रोसीड नहीं करे, ठीक है। तो चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो सेल प्रोग्रेशन को स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली 3 मेन चेक पॉइंट होते हैं सेल साइकिल में। नंबर 1 है G1S चेक पॉइंट, है ना। नंबर 2 है G2M चेक पॉइंट, और नंबर 3 होता है मेटाफेस या माइटोटिक चेक पॉइंट। जो एक यहाँ पर एक और चेक पॉइंट होता है G0 चेक पॉइंट। G0 चेक पॉइंट ये देखता है, मतलब जो G0 स्टेट में ही चेक कर लिया जाता है कि सेल फाइनली मैच्योर है कि नहीं। अगर कोई सेल मैच्योर नहीं है तो वो डिवाइड करने के लिए अलाउड नहीं होता, वहीं पे उसका डिवीजन G0 स्टेट में ही रोक दिया जाता है। क्योंकि अगर एक इमैच्योर सेल डिवाइड करेगा तो वो एक डिफेक्टिव डिवीजन को जन्म देगा, और उससे जो दो डॉटर सेल्स होंगे वो भी डिफेक्टेड प्रोड्यूस होंगे। जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर हेल्दी पेरेंट्स नहीं हो तो वो हेल्दी बेबी को जन्म नहीं दे सकते, ठीक उसी प्रकार से अगर सेल हेल्दी ना हो, इमैच्योर हो, तो वो
आगे इमेच्योर या इनकरेक्ट डिवीजन को ही जन्म देगा। तो एक हेल्दी सेल ही हेल्दी डिवीजन को हेल्दी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जी जीरो स्टेट में ऐसे सेल आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं जो कि मैच्योर हों और मैच्योरली आगे मैच्योर सेल्स को जन्म दे सकते हैं। तो जो सेल्स इमेच्योर होते हैं वो जी जीरो स्टेट पर ही रोक दिए जाते हैं कि सेल डिवीजन अंडरगो ना करें। फिर G1S चेक पॉइंट आता है। इट इज ट्रांजिशन इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सेल साइकिल ऑल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। दिस इज वेयर द सेल चेक्स वेदर इट हैज इनफ रॉ मटेरियल टू फुली रेप्लिकेट डीएनए और नॉट। यहाँ पर ये G1 फेज होता है, वो फेज होता है जहाँ पे सेल अपने आप को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयार करता है। तो इस जगह पे वो देख लेता है कि उसके पास इतना सामान है कि नहीं कि वो प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, उसके पास सफिशियंट मात्रा में न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं, बेसिस है कि नहीं, डीएनए सिंथेटेस है कि नहीं, क्रोमैटिन है कि नहीं। अगर उसके पास सेल को डीएनए को रेप्लिकेट करने का पूरा सामान होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अनहेल्दी या माल नरिश्ड सेल जिसके पास न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है वो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं करवा सकेगा, और ऐसा सेल जिसके पास डीएनए को डुप्लीकेट करने का सामान ही नहीं है उसका डिवीजन भी वहीं रुक जाना चाहिए, वरना डिफेक्टिव डीएनए डुप्लीकेशन होगा और डिफेक्टिव सेल जो है आगे जाके वो जन्म लेगा। देन G2M चेक पॉइंट, इट इज़ वेयर द सेल इंश्योर्स दैट इट इज़ इनफ साइटोप्लाज्म एंड फॉस्फोलिपिड फॉर द टू डॉटर सेल। अब G1 चेक हो गया, जीवन अगर ओके रहा तो सेल ने एस में आके डीएनए बनाया, अब डीएनए बनाने के बाद उसे प्रोटीन बनाना है। तो G2 में ये चेक होता है कि उसके पास इनफ साइटोप्लाज्म है कि नहीं, फॉस्फोलिपिड्स हैं कि नहीं अपनी डॉटर सेल को देने के लिए, है ना, और सही तरह से रेप्लिकेशन डीएनए का हुआ है या नहीं, है ना। अगर डिफेक्टिव डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो ऐसा सेल का डिवीजन भी यहीं रुक जाएगा, क्योंकि डिफेक्टिव डीएनए अगर डॉटर सेल में पहुंचा तो ये बहुत घातक होगा, ये कैंसर को जन्म दे सकता है, ये और बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकता है, म्यूटेशन को जन्म दे सकता है। तो यहाँ पर ऐसा हर सेल रोक दिया जाएगा जिसका डीएनए डुप्लीकेशन गलत हुआ हो या जिसके पास फॉस्फोलिपिड की प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त नहीं हो। और इसके बाद आता है M यानी माइटोटिक फेज का चेक पॉइंट, जो कि माइटोटिक फेज के हर स्टेप में चेक करता है कि प्रॉपर मेटाफेज पे इक्वेटर पे आए कि नहीं क्रोमोसोम्स, एनाफेज में उनकी स्प्लिटिंग सही हुई कि नहीं। अगर कहीं पर भी ये चीज़ सही नहीं है तो अगेन सेल का जो डिविजन है वो वहीं पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट कोई भी चेक पॉइंट अगर इन तीन चेक पॉइंट्स में से कोई सा भी चेक पॉइंट फेल हुआ तो एक म्यूटेटेड सेल एक डिफेक्टेड सेल जन्म ले लेगा जो कि अलग अलग बीमारियों का कारक बन सकता है। ठीक है, हालांकि ये तीन चेक पॉइंट होते हैं लेकिन अगर किसी भी चेक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ तो जैसा मैंने बताया वो म्यूटेशन का कारक होगा या कैंसर का कारक होगा। ठीक है, बिकॉज दिस सेल्स हैव लॉस्ट चेक पॉइंट मैनी डीएनए म्यूटेशन दैट हैव ऑकर्ड आर डिसरिगार्डेड एंड पास टू द डॉटर सेल। अगर किसी सेल के चेक पॉइंट में ही म्यूटेशन हो गया या किसी सेल के चेक पॉइंट ने ठीक से काम नहीं किया तो जो भी डिफेक्ट सेल में आया है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगा और वो जो डिफेक्ट है वो इस सेल में देखा जाएगा। देन चेक पॉइंट रेगुलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनिज्म्स डेवलपमेंट। जो चेक पॉइंट का रेगुलेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग फर्टिलाइजेशन ऑकर्स व्हेन द स्पर्म बाइंड्स टू द एग, इट रिलीजेस सिग्नलिंग फैक्टर दैट मोटिफाई द एग दैट इट हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड। ऐसे ही सेल का जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म फर्टिलाइज करने के बाद एक ऐसा फैक्टर रिलीज करता है जो कि एग को नोटिफाई करता है कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल P53 का, P53 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, है ना। P53 का काम ही है, इट हैज़ अ रोल इन टिगरिंग द कंट्रोल मैकेनिज्म बोथ एट G1S एंड G2M चेक पॉइंट्स। इन एडिशन P53 चेक पॉइंट रेगुलेटर्स आर बीइंग हैविली रिसर्च फॉर देयर रोल इन कैंसर एंड ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। P53 का मेन काम ये चेक करना है कि अगर सेल डिवीजन डिफेक्टेड हुआ है तो ऐसे सेल को प्रमोट करिए कि वो सुसाइड अंडरगो कर ले, अपोप्टोसिस अंडरगो कर ले। डिफेक्टेड सेल को आगे रेप्लिकेट मत, मतलब सेल डिवीजन मत अंडरगो करने दीजिए। P53 मेनली जो काम करता है अपोप्टोसिस करवाता है, ये मैंने अपोप्टोसिस में भी समझाया था, इसका काम होता है अपोप्टोसिस करवाना।
कोई भी सेल अगर डिफेक्टेड दिखा तो वहीं उस सेल को इनिशिएट करोगे, तुम अपोप्टोसिस अंडरगो कर लो। अगर डिफेक्टेड सेल अपोप्टोसिस अंडरगो नहीं करा और उसने अपना नंबर बढ़ा दिया तो उससे होने वाली तकलीफ जो है वो फैलेगी। मोस्टली अगर P53 म्यूटेट हो जाए और तो सेल का डिफेक्टिव सेल का अपोप्टोसिस नहीं होगा, और डिफेक्टिव सेल का अगर अपोप्टोसिस नहीं होगा तो 90% चांस ही होता है कि वो कैंसर को जन्म दे देगा। तो P53 मेन रोल प्ले करता है डिफेक्टेड सेल का अपोप्टोसिस करवाने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देन यदि हम बात करें जीन रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्व्स प्रोसेस क्रूशियल टू द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सेल साइकिल का प्रॉपर रेगुलेशन लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, है ना। मॉलिक्यूलर इवेंट दैट कंट्रोल द सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल एंड ईच प्रोसेस ऑकर्स इन सिक्वेंशियल फैशन। जो भी इवेंट सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं वो ऑर्डर्ड इवेंट होते हैं और डायरेक्शनल इवेंट होते हैं, और एक सिक्वेंशियल फैशन में ये इवेंट होते हैं, है ना। और साइकिल को रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल साइकिल को रेगुलेट करने में, वो होते हैं साइक्लिंस और CDKs। ठीक है, साइक्लिंस और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी डिस्कवरी 2001 में हुई थी, जिसके लिए इनके डिस्कवरर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब अगर हम ये देखें कि साइक्लिंस और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस होते क्या हैं, इनके जो जीन्स हैं ये सबसे पहले सैक्रोमाइसिस सर्वीशिया में आइडेंटिफाई करे गए थे, है ना। देन साइक्लिंस दे फॉर्म द रेगुलेटरी सब यूनिट एंड CDKs आर द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ एन एक्टिवेटेड होमोडाइमर। जो साइक्लिंस हैं वो किसी भी होमोडाइमर का रेगुलेटरी हिस्सा होते हैं, यानी जो रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का काम करते हैं, और जो CDKs हैं जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस हैं वो कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं एक्टिवेटेड हेटरोडाइमर, किसी हेटरोडाइमर के कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। कैटालिटिक, कैटलिस्ट का मतलब होता है वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। देन CDKs आर इनएक्टिव इन द प्रेजेंट ऑफ साइक्लिन, इन द एब्सेंस ऑफ साइक्लिन। अगर CDK के साथ, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस के साथ यदि साइक्लिन नहीं है तो CDK कैसा रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। व्हेन एक्टिवेटेड बाय बाउंड साइक्लिन CDK परफॉर्म अ कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन, और जब साइक्लिन से एक्टिवेट होंगे तो CDK क्या करेंगे, एक कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन अंडरगो करेंगे जिसको फॉस्फोरिलाइजेशन कहेंगे, जो कि एक्टिवेट या इनएक्टिवेट किस कर देगा, किसको, टारगेट प्रोटीन को, और टारगेट प्रोटीन को ऑर्केस्ट्रेट या कोऑर्डिनेटली एंट्री इनटू द नेक्स्ट फेज, और यहाँ पर क्या करेगा, नेक्स्ट फेज में उसकी जो एंट्री है उसे ब्लॉक कर देगा। व्हेन एक्टिवेटेड बाय अ बाउंड साइक्लिन CDK परफॉर्म अ कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन कॉल्ड फॉस्फोरिलाइजेशन, देन दैट एक्टिवेट्स और इनएक्टिवेट टारगेटेड प्रोटीन टू ऑर्केस्ट कोऑर्डिनेटली एंड कोऑर्डिनेटेड एंट्री इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्या होता है कि जब साइक्लिन से बाउंड होगा CDK तभी उसके अंदर फॉस्फोलाइजेशन होगा और ये अकॉर्डिंगली टारगेट प्रोटीन को सेल साइकिल के नेक्स्ट फेज में या तो एंटर करने देगा अगर उसके लिए सही होगा तो, और अगर उसके लिए सही नहीं होगा तो यहाँ उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा। लेकिन ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस काम कब करेगा, जब साइक्लिन इसे एक्टिवेट करेगा तभी ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस फॉस्फोराइलेट होगा, जब तक ये इसको एक्टिवेट नहीं करेगा तब तक ये फॉस्फोराइलेट नहीं होगा। डिफरेंट साइक्लिन CDK कॉम्बिनेशन डिटरमाइन द डाउनस्ट्रीम प्रोटीन टारगेटेड, और जो अलग अलग साइक्लिन और CDK के कॉम्बिनेशन होते हैं वो कौन से प्रोटीन को, मतलब हर प्रोटीन को एक ही CDK और साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स टारगेट नहीं कर सकता, अलग अलग प्रोटीन को टारगेट करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं साइक्लिन और CDK के, और CDKs और साइक्लिन के कॉम्प्लेक्स का काम ही ये है कि प्रोटीन को टारगेट करके उसका फेट डिसाइड करें कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन को अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल को यहाँ से एक्टिवेट करना है या सेल को अपोप्टोसिस के लिए डायरेक्ट करना है। अगर सेल डिवीजन ठीक हो रहा होगा तो ही वो नेक्स्ट स्टेज में पहुँचेगा, अगर सेल डिवीजन ठीक नहीं हो रहा होगा तो वहीं पे वो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। देन जनरल मैकेनिज्म ऑफ साइक्लिन CDK इंट्रैक्शन अपॉन रिसीविंग अ प्रो माइटोटिक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, G1 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बिकम्स एक्टिव टू प्रिपेयर द सेल फॉर S फेज। एक सिग्नल रिसीव करने के बाद जो G1 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव हो जाता है और सेल को S फेज एंटर करने के लिए प्रमोट करता है, प्रमोटिंग
प्रमोटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. और जब सेल अपने आप को तैयार कर लेगा डिविजन स्टेट के लिए, तो उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो भी जागृत हो जाएंगे, एस साइक्लिन्स भी जागृत हो जाएंगे उसके, एंड एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो भी उसके जग जाएंगे. द जी1 साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो प्रमोट द डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट फंक्शन एज एस स्पेस इनिबिटर. और ऐसे सभी ये जो जी1 साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स होता है, ये ऐसे प्रोटीन्स को, ऐसे इनहिबिटर्स को भी नुकसान पहुंचाता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं. यानी कि ये इन्हेंसर होता है, सही प्रकार से अगर सेल डिवीजन होता है तो ये उसे होने देगा, और अगर गलत सेल डिवीजन हो रहा है तो ये उसको रोकेगा. वंस द प्रोटीन हैज बीन यूबिक्यूनेटेड, इट इज टारगेटेड फॉर प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन बाय प्रोटियोसोम. और अगर कोई प्रोटीन जो है वो यूबिक्यूनेट होता है, यानी कि वो डिवीजन स्टेट को आगे नहीं प्रोसीड करवा सकता, तो फिर उसका डिग्रेडेशन हो जाता है. एक्टिव एस साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस फॉस्फाइरिलेट प्रोटीन दैट मेकअप प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्सेस असेंबल ड्यूरिंग जी1 फेज ऑन डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन. द फॉस्फाइरिलेशन सर्व्स टू पर्पस, टू एक्टिवेट ईच रेडी असेंबल प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स. ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है एस साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स का, इसके दो महत्वपूर्ण यूजेस होते हैं. एक तो ये होता है कि ये एक्टिवेट करता है प्री असेंबल प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को, और नए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है ना, मतलब नए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को रोकता है, जो प्री कॉम्प्लेक्स बना होता है उसी को इनिशिएट करता है. दिस एंश्योर्स दैट एवरी पोर्शन ऑफ द सेल जीनोम विल बी रेप्लिकेटेड. और इससे ये देखता है कि हर पोर्शन जो सेल का है वो रेप्लिकेट और रेप्लिकेशन प्रॉपर हो. ये भी चेक करता है कि ऐसा नहीं कि एक रेप्लिकेशन चल रहा है तो वो रेप्लिकेशन बीच ही में रुक गया और दूसरा रेप्लिकेशन चालू हो गया. नहीं, एक रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही जो दूसरा रेप्लिकेशन है वो प्रोसीड करेगा. द रीजन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गैप्स इन रेप्लिकेशन इज क्लियर, बिकॉज द डॉटर सेल्स आर मिसिंग, ऑल पार्ट ऑफ क्रूशियल जीन्स विल डाई. है ना, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में गैप भी नहीं होने चाहिए, वरना जीन्स के डाई होने का और रेप्लिकेशन डिफेक्टेड होने का चांस होता है. माइटोटिक साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स विच आर सिंथेसाइज बट इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग एस एंड जी2 फेज प्रमोट इनिशिएट ऑफ माइटोसिस बाय स्टिमुलेटिंग डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स. जो माइटोटिक साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं लेकिन एस फेज और जी2 फेज में इनएक्टिव होते हैं, वो माइटोसिस को इनिशिएट करते हैं प्रोटीन्स के द्वारा और स्पिंडल असेंबली बनाने के द्वारा. अ क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज यूबिक्यूटिन लाइगेस नोन एज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. और यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स काम करता है पॉजिटिवली वो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, विच इज़ अ टाइप ऑफ माइटोटिक साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स. इट प्रमोट्स द डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल काइनेटोकोर. ये जो है ये क्रोमोसोम काइनेटोकोर, एनाफेज के टाइम आपने देखा होगा कि वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिड में स्प्लिट होते हैं. अगर वो क्रोमोसोम क्रोमेटिड में स्प्लिट नहीं होंगे तो एक डिफेक्टिव जो सेल है उसका रेप्लिकेशन डिफेक्टेड हो जाएगा. तो ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये उस क्रोमोसोम को क्रोमेटिड में टूटने में मदद करता है. वो प्रोसेस अगर ढंग से नहीं होगी तो आप कभी मियोसिस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इट इज़ नोन एज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. है ना, वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है. अगर क्रोमोसोम एनाफेज में क्रोमेटिड में नहीं टूटे तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है. तो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स उसको करवाता है ना, और ये देखता है कि एनाफेज प्रॉपरली हो ताकि आगे टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस भी प्रॉपरली हो सके. ठीक है, तो ये है रोल पूरा का पूरा सेल साइकिल के अंदर. साइक्लिन्स का रोल, सीडी के साइक्लिन्स का रोल है ना, और साथ ही साथ इसके चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी सेल साइकिल का चेक पॉइंट डिफेक्टिव हुआ तो वो सेल साइकिल प्रॉपरली नहीं चलेगी, सेल का जो डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं होगा. तो ये था सेल साइकिल का टॉपिक. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड बैक करें. थैंक यू वेरी मच.